अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाई, जान अल्लाह का करम, ठीक ठाक। शहीद भाई कैसे हो? ठीक हो। एदी एक यूट्यूब नहीं बो साहब छा लेंदी ए जी लाइट है ना, हां मेरी आंखें नहीं घर चले लगी यार, हुन की करा, जाना ही पानी पीना ही दूध पी खड़े सारा कल तेरी बुड्डी दी तैयारी होण डी आ, शादी जी होणी ना, तेरी बुड्डी ने थी तैयार होना ई ते लै के जाना ना पार्लर, कदी किसे दे पार्लर ते कदी किसे दे अखा बनांदी आ जेड़ी पहचानिया जे यार, मैं वेख्या कितने ठीक ठाक, तुम सुनाओ? हाँ जी हाँ जी, तुम कितने जाते हो? पिछले महल रहना। अच्छा वेला बंदा वाकम निकल आया नहीं? किधर पीछे महल पीछे बड़ी जुगता मारना आ गई। नाराज बैठे शहीद साहब, एक दिन बहार चढ़िया डॉक्टर को तुर गया, डॉक्टर ने जाकर कहना मैं बचना, मैं रोई जाए रोई जा, मैं नहीं बचना मैं बचना, डॉक्टर को कहता तू लैन की आया मेरे को तू नहीं बचना। इन्हां दे घर भी चोर आ गया जे, पता जे कि नहीं ते की आंदे है गुस्सा चढ़िया चल वड्डी आ गई चल दफाई पा घर गया अंदरों जलाबा फड़िया कन्ना पा कहना मेनू ले ला आखो पागल ढेर जलेबियां रख के कहना मेरिया तो कोई आंदरा ही कट गया, मूह ते लोटा पा के कहना मेनू हाथी कवो। चादर बुकल मारी कहना मैं सियालकोट लाहौर पैदल जाना जा रहा जा रहा कामू की स्टेशन ते पहुंचा जिथे ट्रेन का स्टेशन उ जाके चादर की बुकल मारी मूह पड़के फिर वापस सियालकोट आ गया। पता नहीं ना लगा मैं सीधा सीधा जा रहा लाहौर अगे 110 मैं चादर निकल के फोल्ड करके लेइए ना मेरा मूह पड़ गया जिंदगी लंघ गई बुकला मारनी है बना के कहते मैं खिचोपड़ को फिर शुरू हो गए देखा कैसे एक दूसरे को जुगते लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी हम आए थे तरावी पढ़ के तो शरारत सूझी कि हमने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो इधर जुगत बात शुरू हो गए। ये वैसे ही पूरा माशाल्लाह से अपना गुजरांवाला में स्टेट ड्रामा में काम करता है हमारा मुजम्मिल साहब। बाबा तेन भी पुराने जमाने के जुगतान देने के तू पुराने जमाने की गल्ला सुना सानू। पुराने जमाने फैक्ट्री पी और सारी तेन जुगता ना फैक्ट्री पैंती सानू आके मारन लिया जुगता एडा तो जुगत पास रह गया साढ़े हाथ से जम पाल बच्चे ने जो सानू अज गल मारन ले मेरे हाथ से खेड तू यकीन मान एडा कौन एडा कुछ छोटा जहा दाई मुजम्मल पुत्र ने रोदा खोल के प्यास बड़ी डाढ़ी लगी थी मैं जूस पिया चोरी चोरी तुझे फद्दू की अम्मी ने फद्दू ने कहा जा फद्दू किचन गर्म मसाला प्याज लैके आ गया तो नहीं लैके आया उन्होंने कहा जा लैके आ फिर वापस आ गया फिर भेजिया फिर वापस आ गया उन्हें कह की
ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਤੇ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਚੁਰ ਚੁਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਹਾਂਜੀ फलानी चीज गंडेरियां खाओ सामने लगी कि मुफ्त खाना खाने का बड़ा शौक है ना मुझे मिल गया वो सामने बैनर भी पड़ रहा है मुफ्त कोई बेरोजगार लोगों को फ्री खाना फ्राहम किया जाता है मुफ्त खाना मुझे मले तेरा से फ्री खाना लगा ही कल तो मेरा भरा टाइम है सारी लैन आली शर्ट नहीं लभदिया नी के हूं उड़ दुआ कापी लै आई है मुटिया ऐ इंग्लिश आली हो रे पिछले पाए है हूं इंग्लिश आलू कल मैथ आली कापी लैके देनी ये देखिए मुजम्मिल भाई मेरी बात ये मेरी बात का गुस्सा करेगा थे जो मैं चोरी चोरी जूस पी के आया ना अब ये सच्ची मुझे क्या मैं तेरे सामने पीना है या है की पीना है फुट या केड़ा पीना है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी सा तो हो गया थे हैं कितने गिलास है दो दो गिलास छोटे लाने दिन दैन छोटा डिस्पोजेबल है पूरा ना पे मैं करना मैं सोना ब्रांड है मेरे ऐसे बाल के डेरे समझ नहीं आते बाल माशाल्लाह कितने सोने हैं हेलो आदि यार आप इधर आ रहे भाई जान तो ताला कर गया हैं दो नहीं दो दो छोटे स्ट्रॉबेरी पीना ना भी ऑर्डर मैं दे इंडिया ना कि आप ही गूंगे हो हूं आप ही धक्के गाल मारना पे मतलब मिल आई ये कह रहा है कि मैं भाई हूं इस भाई का तोड़े दुआ जो जूस किने बनाया रोज भाई छोटे ने जूस हां जी बनाई दा नहीं यार खराब है बनाया किने ने जूस हेलो किने बनाया जूस भाई यार ने बनाया यार मंदा नहीं पिया जूस हां जी बनाई दा ढोल के बनाई दा पागल है तू वे जूस दे विच की है जूस हां जी बनाई दा हां गो आई है ते हां जी दा बना के ते जी ना बनाया ठीक है बड़ा बढ़िया बनाया लो भाई जुगतबाजी हमारी खत्म हो गई है मुजम्मिल की मेरी सुलह हो गई है कुछ इसने मारी है जुगते कुछ मैंने मारी है आपको उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा और अब ये जूस पीने के बाद हम जा रहे हैं घर हमारा ड्राइवर देखो कितना सा है ड्राइवर साहब जुगतबाजी गई है मौके हाँ जी ठीक है तो मजा आ गया जूस शस पी ले चलिए घरों करी सुबह नमाज पढ़ने आ जाए सारे जने आ जाए यार आ जाए टाइम कट के हैं अगे पीछे तुम अगे पिछे तुम पढ़नी नहीं होंगी रोजियां बच्चे अल्लाह तुम हिदायत देता तो तुम आ जाते हो हाँ तू तो माम मस्जिद है तू तो माम मस्जिद है पिछे रोजे गए मैं घटो घट छे महीने नमाज पढ़ी मस्जिद जाके एने कोई महीना डेढ़ पढ़ी बिच गैप हो गया फिर अगले रमजान आया चलो वेले पता लगता कौन छड़ के जाएगा बाबा जी जूस कैसा है शेनी साहब जूस जबरदस्त तुसी पीता मैं क्यों पूछन दिया ओने मैं पूछया मैं कहा भाजी किथों ने हो ओ आंदा झंग दे मैं कहा हैं चड्डो की दे कहंदा कि नहीं नहीं झंग दे ओनु पता लगा ओ चड्डो की भी को पिंड है ओनु पता लगा कि चड्डो की भी पिंड है अस मन उठो की नहीं किया उठो की वाके पिंड है अजे मतलब बैठोगी तो उठ खलोतोगी ओनु उठोगी और ही पिंड लाग दे नाल खलोतोगी एक और ही पिंड लाग दे नाल चार पांच मिनट बाद आने आहो आ जायो चलो
ਕਿੰਜ ਮੁਜ਼ਮਲ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਆਇਓ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜਰ ਟਾਈਮ 5 ਵਜਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਇਓ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਓਕੇ शहरी का टाइम हो रहा है अभी हमने शहरी की है रोज़ा बंद हो गया मुजम्मिल वालों को फ़ोन किया मैंने कहा जो नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं अब जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 10वां रोज़ा रखा है आज माशाल्लाह से एक अशरा कंप्लीट हो जाएगा रमज़ान का और पता भी नहीं चला 10 रोज़े कहाँ चले गए शहीर और मुजम्मिल तो पहुंच गए होंगे मस्जिद में मैं जा रहा हूं अकेला और आपको फजर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के हम आ गए और ये मेरे पीछे आ गए मुजम्मिल भाई साहब शनि की थी आ गया ना मस्जिद जी तो दा वेट कर लिए ओ तो पूरे देख लो ने ऐसे कर लेने ओके का छाड़ के दौड़ गए नहीं छाड़ के दौड़ गए वो फिर कूद गए आ गया बेहतर से आ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਏ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਬਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਸ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਇਸਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸੋ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਐਤ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਘਰ ਆਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਓਏ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬੇਖਰਾਬ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਕੱਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਬਚਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਆ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਲਾ ਖੜੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਆਈ ਤੇ ਚੜਿਆ ਲੋ ਭਾਈ ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਨੀਂਦ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਸੋਨਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਸੋਊਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਭਾਈ ਜਾਏਂਗੇ ਕਾਮ ਪੇ ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਧਰ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਮੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਜਾਏਂਗੇ ਬਿਸਤਰ ਮੇ ਸੋਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੇ ਉਠੋਗੇ ਆਪ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ
ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੌਂ ਦੋ ਉਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਵਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਆ ਵਾਹ ਆ ਯਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਘਰ ਯਾਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਠੀਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸੁਣ ਇਹ ਬੱਤੀ ਬਜਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਆ ਯਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਆਹੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਹੋ जुड़े चला है ना लिया चलो ओके अल्लाह हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई उठ चुका है अब नमाज की तैयारी करते हैं जोर की नमाज पढ़ते हैं और नहाते हैं पहले सबसे पहले फिर इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे कुरान शरीफ की तलावत करेंगे तो चले चलते हैं फिर बगैर टाइम वेस्ट किए नमाज का टाइम नहीं कर रहा है ढाई बज गए आज मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये मैंने रमज़ान के लिए अपनी वाइफ को ना गिफ्ट किया था ये जा नमाज है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं वेलवेट की बनी हुई है बहुत खूबसूरत उसके ऊपर मैंने नाम भी लिखवाया हुआ है माशाल्लाह ये देखिए जबरदस्त है आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा इंशाल्लाह ताला मैं उनका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो फिर आप वहाँ पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं और ये माशाल्लाह से जान नमाज देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है इसकी क्वालिटी वाइज देखें आप पीछे से और फ्रंट से ज़बरदस्त बनी हुई है और ये वेलवेट लगा हुआ है खूबसूरत सा और ये जो लिखाई हुई है आप किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं आप अपना आप किसी अपने अजीज़ का जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहें उसका जो आप नाम देंगे वो इंशाल्लाह ताला इस तरह लिख के आपको वो सेंड करेंगे और इसके अंदर दो कलर आते हैं मतलब जान नमाज में तो बहुत सारे कलर हैं लेकिन जो ये लिखाई हुई है इसके अंदर दो कलर आते हैं एक गोल्डन कलर और एक सिल्वर कलर जो सा खूबसूरत आपको अच्छा लगे अपनी अपनी पसंद की बात है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा उनका कॉन्टेक्ट नंबर इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप भी अपनी पसंद की जानमाज अपने घर पे बैठे भी मंगवा सकते हैं माशाल्लाह से मैंने 10वां सिपारा भी पूरा कंप्लीट कर लिया आज माशाल्लाह 10 रोज़े हो चुके हैं और मेरा 10 सिपारे भी हो गए मैं रोज़ाना का एक रोज़ा और एक सिपारा पढ़ता हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला फिर आगे जाके 25वें 26वें रोज़े तक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेता हूँ क्योंकि 27वीं रात को पछवाना होता है उससे पहले पहले मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ आगे फिर मैं 2-2 सिपारे पढ़ना शुरू कर देता हूँ फिलहाल अभी मैं एक एक सिपारा पढ़ रहा हूँ और एक एक रोज़े के साथ और आपका भाई फारिग हो चुका है कुरान शरीफ की तिलावत कर ली नमाज़ पढ़ ली और इधर छोटा भैया भी आ गया ये नाते सुन रहा था इसको पता चल गया हम ड्राइंग रूम में अजलान क्या देख रहे हो इया इधर थे हम इधर थे वो भैया देखो शतरंज खेल रहा है बातें करे क्यों नहीं खेली जाएगी मुझे खेलनी जाएगी मैं खेल लेता हूँ किचन में चलते हैं रोजे का टाइम हो रहा है देखते हैं क्या बन रहा है इफ्तारी के अंदर तो छापा मारते हैं चल के आज भी हमारे घर पे अभी तो रोल फ्राई हो रहे हैं ये वेजिटेबल रोल हैं एक तो ये वाले वेजिटेबल रोल होते हैं ना ये तो मैंने आपको एक दो दफ़ा दिखाए ये कीमे के समोसे और ये कटलेट हैं इसके अंदर ही वेजिटेबल होती हैं आज ये साथ हमारे चिकन पकौड़ा बन रहे हैं ये चिकन को मसाला लगाया हुआ है इसको बेसन में डीप करके फिर फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर आज चिकन पकौड़ा खाएंगे हम
और इधर देखते क्या है, इधर चना चाट है और इधर फ्रूट चाट है और शरबत क्या है। अच्छा ये लेना, ये हमारी शरबत है, ये कोई शरबत और ये ऑरेंज शरबत। ये बेसन भी लग गया इसको। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं चिकन पकौड़ा और मसाले लगे हुए हैं, आंखों में चढ़ रहे मसाले, इतने जबरदस्त मसाले लगे हुए हैं। बस थोड़ा ही टाइम लेके फिर इफ्तारी होएगी इंशाल्लाह ताला। अब हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं और अब मैं रोज़ा इफ्तार करूंगा। आज का व्लॉग था यहाँ तक कि इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।